दोस्तों वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपने पता लगा लिया होगा कि आज कौन से टॉपिक पर वीडियो होने वाली है। ठीक है, आज का टॉपिक कोई ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, आज का टॉपिक कोई ऑनलाइन बेसिक नहीं है, आज केवल नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। मत करना कोई भी पैरामेडिकल कोर्स, वरना बाद में रोओगे, बाद में पछताओगे। फिर मत बोलना कि आपने यह वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों काफी समय बाद, काफी महीनों बाद मुलाकात हुई है आपसे, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि मत करना कोई भी पैरामेडिकल कोर्स, वरना बाद में पछताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, उस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप करके मत देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना यार, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं हमारी मोस्ट नॉलेजेबल वीडियो। सबसे पहले यह वीडियो केवल राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स राजस्थान के हैं और DMLT या फिर कोई सा पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं और कोई से भी बैच में है, कोई से भी बैच के स्टूडेंट्स हैं और कोई सा भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं और वो राजस्थान से हैं, तो वो ही वीडियो देखें। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट से हैं तो मैटर बिल्कुल सेम है, आप वीडियो देख सकते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो किस तरह से आवाज उठाएं वो आप देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि मत करना कोई भी पैरामेडिकल कोर्स, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बिल्कुल जैसा कि आपको पहले पता है, मैं बाद में ज्यादा ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा कि 2 साल का पैरामेडिकल कोर्स होता है, उसको 4 साल लग जाते हैं पूरा होने में। मैंने पहले वीडियो बना दिया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत शर्म आती है उन स्टूडेंट्स को लेकर जो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जैसे 18-19 वाले बैच के स्टूडेंट्स और 17-18 वाले, इनकी बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, केवल 18-19 वाले बैच की बात कर रहा हूँ। हाल ही में जो सिचुएशन चल रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है हाल ही में पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, उनमें जो हमारे राजस्थान सरकार ने अभी एक नया जो आदेश निकाला था, पहले जैसे आपको पता था प्रमोट को लेके, तो 18-19 वाले प्रमोट हो रहे थे, फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में आ रहे थे, सेकेंड ईयर वाले कहीं भी नहीं जा रहे थे, उनका एग्जाम होना था। ठीक है, तो 18-19 वाले को प्रमोट के ऊपर जो हमारे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन दोस्तों सबसे बुरी बात यह है कि हमारे जो स्टूडेंट यूनियन है उसमें एकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हमारी RPMC में यूनिटी नहीं है, यूनिटी के साथ काम करोगे तो ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि राजस्थान वाले समझ गए होंगे, कुछ दिन पहले जो लिस्ट निकली थी उसमें किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ था, तो अपने काम कराने को लेकर कितने लोग पहुंचे थे वहाँ पे, कितने स्टूडेंट्स पहुंचे थे, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जतन कुमार, उन्होंने कितना साथ दिया था हमारा, कितने स्टूडेंट्स पहुंचे थे जयपुर, साथ में करीबन संख्या हुई थी 500 से 600 लेके। ठीक है, तो 500 से 600 स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं जयपुर अपना काम कराने के लिए, केवल जब उनको अपने काम की जरूरत पड़ती है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब हम बुलाते हैं जयपुर, जब आप जयपुर नहीं आते हो, जैसे हम अभी जयपुर गए थे, 18-19 वाले ध्यान से सुनना, यदि आपको प्रमोट होना है तो साथ रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। पहली बात, ये वीडियो केवल राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो है, अदर स्टेट्स हैं, यदि उनके साथ में कोई फ्रॉड हो रहा है तो किस तरह से आवाज उठा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम अभी कुछ दिन पहले 14 तारीख को गए थे जयपुर प्रमोट को लेके और पद बढ़वाने को लेके। पद बढ़वाने वाली आप बात आपको पता है कि 11-19 से 16-16 मैटर चल रहा है और प्रमोट वाला मैटर चल रहा है, तो हम पद बढ़वाने को लेके गए थे, प्रमोट को लेके गए थे जयपुर, मात्र दोस्तों 15-20 स्टूडेंट्स ही पहुंचे। टोटल 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं पैरामेडिकल के, उनमें से 15-20 स्टूडेंट्स ही पहुंचे हम चिकित्सा मंत्री के घर की तरफ। ठीक है, जो चिकित्सा मंत्री का निवास है वहाँ पे 15-20 स्टूडेंट्स ही पहुंचे। अब 18 तारीख को बुलाया गया, दोबारा डेट पोस्टपोन की गई, 18 तारीख को रखा गया धरना प्रदर्शन पद बढ़वाने को लेके और प्रमोट को लेके, उसमें भी दोस्तों 40 से 50, 60, 70 स्टूडेंट्स ही पहुंचे होंगे। ठीक है, तो मैं 2 दिन मैं भी गया था, लेकिन दोस्तों आप एक बात करो, 8000 स्टूडेंट्स से प्लस है पूरा राजस्थान में और टोटल मात्र 100 बच्चे भी नहीं जा रहे, तो क्या फायदा फिर? दोस्तों काम करवाना है तो साथ रहना पड़ेगा, यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी, प्रमोट होना है तो प्रमोट होने के लिए भी साथ रहना पड़ेगा, यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी। जब जब आपको जयपुर बुलाया जाए तब तब आपको जाना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। 18-19 वाले सुनो, वरना रोगे और आगे जो भी बैच है, नया बैच 19-20 वाला है, 20-21 वाला, भैया 12वीं पास कर ले अपने, वही बहुत है पैरामेडिकल कोर्स है। तो अब यदि आपने अभी तक फीस जमा नहीं कराई है तो मत कराना, और फीस जमा करा दिए तो आपका बहुत भाग्य बेकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पैरामेडिकल कोर्स छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों ये जो 2 साल का पैरामेडिकल कोर्स है 4 साल में कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका टाइम खराब कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। जैसा कि मैं पहले वीडियो बनाता था कि ये पैरामेडिकल कोर्स कर लो, वो पैरामेडिकल कोर्स कर लो, ऑनलाइन क्लासेस कर लो, वो कर लो,
अब सब खत्म। सबसे पहले मेन बात यह है कि सबसे पहले यूनिटी रखो राजस्थान वाले, एक साथ रहो, और कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो कोई मतलब ही नहीं उसको करने का, पछताओगे, पछताना पड़ेगा, और पहले वाले हमारे जो सीनियर है वो पछता रहे। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रमोट होना है, मैं प्रमोट की बात करूंगा क्योंकि मैं एक 18वीं साल बैच का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रमोट होना है तो भैया एक साथ रहना पड़ेगा 18वीं साल, सुन लो, और 19-20 और जो नया बैच आएगा भी 20-21, 19-20 वालों की तो बहुत बेकार हालत खराब होनी है। कभी जिंदगी मत करना पैरामेडिकल कोर्स, बार बार बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, कभी भी मत करना। केवल जो पेंडिंग रह गया है क्लासेस को लेकर वो मैं आपसे करा दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे पॉइंट्स, जैसे हमारे डेली क्लासेस क्यों नहीं चल रही है, जो अभी पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, पूरे देश में जो सिचुएशन चल रही है, जो मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो उसके कारण हमारी क्लासेस बीच में रुकी हुई थी, करीबन 2 से 3 महीने हो गए, अब 3 महीने हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब क्लासेस रेगुलर करूंगा मैं जितना हो सके, मेरा भी मैं हर 2 दिन में एक वीडियो तो आएगी, ठीक है, तो क्लासेस भी आपसे रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन आप यार मैं क्लासेस कराते रहो और आप पढ़ते रहो यार, फिर कोई मतलब ही नहीं है जब तक एग्जाम जल्दी नहीं होंगे, ठीक है। अदर स्टेट वाले उनका तो मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, पीडीएफ दे के उनको बिल्कुल सेट कर दूंगा, लेकिन जो राजस्थान वाले हैं ना भैया, वो रोगे, रोना पड़ेगा, आप रो रहे हो, मुझे शर्म आती है उन स्टूडेंट्स पर जब जब बुलाते हैं, वैसे ग्रुपों में खूब आवाज़ी करते हैं मैं आ जाऊँगा, लेकिन कोई भी नहीं आता है, ठीक है। विशेषकर साथ रहना पड़ेगा, यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी। अब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जतन कुमार सिंह, उन्होंने एक नया काम किया है, एक जिले वाइज अध्यक्ष बना दिया है, तो सारी जिम्मेदारी उन अध्यक्ष पर रहेगी, ठीक है। तो बार बार बोल रहा हूँ, यह वीडियो केवल राजस्थान वाले स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है, अदर वाले स्टेट्स के साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो आप किस तरह आवाज उठा सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमोट को लेकर, भर्ती को लेकर। भर्ती वाला मैटर आपको सारा पता है, नहीं पता तो इमेज आपको दिख रही होगी। प्रमोट वाला मैटर आपको सारा पता है, नहीं पता तो आपको इमेज आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, पद बढ़वाने हैं और प्रमोट होना है तो साथ रहना पड़ेगा, यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी, एक साथ जयपुर चलना पड़ेगा, एक साथ साथ देना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। यदि चिकित्सा मंत्री के पास 15-20 स्टूडेंट्स पहुंचे तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता है, और यदि 150 से 200 या 500 से 600 1000 स्टूडेंट्स पहुंचे कम से कम तो उनके पास दबाव पड़ता है। उसके बाद अगर जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है डेली पीडीएफ क्यों नहीं मिल रही। डेली पीडीएफ और डेली नोट्स आप कमेंट्स करते हो कि सर डेली पीडीएफ दिया करो, नोट्स दिया करो, तब से मैंने रूटीन बनाया है कि अब जब जब ऑनलाइन क्लासेस आएगी, हर 2 दिन में एक वीडियो आएगी, उसके जैसे मेरे क्लासेस का टाइम रहता है 7:30 बजे फिक्स, अप्रोक्स 7:30 से 2:00 PM तक रहता है मेरे क्लासेस का टाइम, तो आपको उसी के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद आपको उसी दिन, जिस दिन मेरी वीडियो आएगी उसी दिन रात को एक PDF शेयर कर दूंगा मैं, एक नोट शेयर कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद है हमारा ज्वाइन मी व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो अब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, केवल कुछ टर्म एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेगी आपको, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको डेली PDF मिलते हैं, अपडेट मिलती है। लेकिन उसके बाद हमारा मेन मैटर यही है, 14 तारीख को अब हम गए थे जयपुर, मैं बात बता रहा हूँ पूरी, हम किस लिए गए थे जयपुर, हमारा पूरा मकसद था कि पद बढ़वाने को लेके और प्रमोट को लेके, ठीक है। तो उस वक्त मौसम भी हमारा साथ नहीं दे रहा था, बारिश आ रही थी बहुत खतरनाक, तो हम 3 से 4 घंटे बस स्टैंड पर रुके हुए थे, ठीक है, चलो वो मैटर रखता है कि बारिश आ रही थी। उसके बाद हम 18 तारीख को आए थे तो भी 40 से 50 स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे, जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो, और अब देखोगे कि हमने किस तरह आवाज़ उठाई, किस तरह हमने अपने हक के लिए लड़ा। तो आपने ये वीडियो देख ली होगी, ये वीडियो चिकित्सा मंत्री के जो सिविल लाइन्स में रहते हैं वो जयपुर में, वहाँ की है ये, किस तरह से हमने एक साथ साथ दिया, ठीक है, हमारे पद बढ़वाने को लेके और प्रमोट को लेके, ठीक है। तो जयपुर वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जयपुर में रहते हुए भी नहीं आते हैं, तो शर्म की बात है आपके ऊपर। अब जो और स्टूडेंट्स हैं वो पागल हैं, जो जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पता नहीं कहाँ कहाँ से 800-900 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, 2-3 दिन पहले, तो वो भी कुछ सोच के आ रहे होंगे, वो अपना काम कराने के लिए आ रहे होंगे, ठीक है। तो भैया प्रमोट होना है, फिर पद बढ़वाना है, तो साथ रहना पड़ेगा, ठीक है,
साथ रहना पड़ेगा, एक यूनिटी बना के रखनी होगी, ठीक है। उसी में आपका बहुत भला होगा। अदर स्टेट वाले उनको मैं बता रहा हूँ, यदि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है कि आपका पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो और एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहे हैं, फिर प्रमोट नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी एक यूनिटी बनाएं उस स्टेट की, और यूनिटी बना के वहाँ का जो चिकित्सा मंत्री है या फिर वहाँ का जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर वगैरह हैं, उनके पास जाके आवाज़ उठाएं। तो यूनिटी बना के चलोगे तभी जाके कुछ होगा। 15 से 20 स्टूडेंट्स चले गए ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन तो हमारे खूब जाते करते रहते हैं, तो कुछ नहीं होगा। एक यूनिटी होगी तब जाके कुछ होगा, ठीक है। तो मेरा बार बार कहने का मतलब यही है, यदि आपको काम कराना है तो साथ रहना पड़ेगा, पद बढ़वाने हैं, प्रमोट होना है तो साथ रहना पड़ेगा। अदर स्टेट वाले से भी मेरी अपील है कि यदि आपके साथ ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है तो यूनिटी बनाइए, स्टेट वाइज यूनिटी बना के काम कीजिए तो ज़्यादा होगा। अब जो अगला पॉइंट आता है, सबसे मेन पॉइंट है ये, तो क्या है? सरकारी काम है, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन पॉइंट है कि डेली क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट होगी। तो भैया जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि हर 2 दिन में एक वीडियो आएगी, जस्ट वीडियो डालने के बाद मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप वाले सबसे पहले मैं अपलोड करता हूँ और कोई नया बंदा जुड़ जाता है, तो यदि वो नोट्स या फिर PDF मांगता है तो प्लीज़ आप शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको भी और उसको भी, ठीक है। तो 16, 17, 17, 18 इनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, 18, 19 वाले बैच के ध्यान से सुन लो, एग्जाम का कोई पता नहीं है। और सबसे मेन बात ये है कि 18, 19 वाले फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट होंगे या फिर उनके एग्जाम होंगे, सबसे मेन बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप करके मत देखना, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। अब हम 18 तारीख को गए थे चिकित्सा मंत्री से मिलने, ठीक है। तो उन्होंने हमको यह जवाब दिया कि फाइल जो प्रमोट वाली जो फाइल का प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है एक दिन पहले ही, अब देखते हैं क्या हल निकलेगा उसका, क्या सोल्यूशन निकलेगा। मतलब टोटल अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। प्रमोट भी हो सकते हो, एग्जाम भी करा सकती है यूनिवर्सिटी अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम भी हो सकते हैं, नवंबर में तक एग्जाम हो सकते हैं, तो अभी कोई कंफर्म नहीं है। वैसे तो प्रमोट का है वो 99.9% है प्रमोट का, बाकी का माइनस जितना भी है वो एग्जाम को लेके है, ठीक है। तो हमारी जो हमने मतलब जो प्रमोट की जो फाइल होती है जो मंत्रिमंडल में चलती है वो प्रोसेसिंग हो चुकी है, बस चिकित्सा मंत्री एक आदेश जारी कर दे कि पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे, तो यूनिवर्सिटी आगे आदेश जारी करे, कोई गाइडलाइन जारी करे किस बेस पर प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ कमेंट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, तो आप देखिए कमेंट्स। सबसे पहले लिखते हैं आलोक शर्मा स्टडी क्लासेस, वो लिखते हैं, हेलो सर, आई एम नो सब्सक्राइब योर चैनल और मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके पूछना है, क्या आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप नंबर चलाते हैं? तो हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है ऑनलाइन क्लासेस को लेके, तो लिंक पर क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से पहले आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन की तरफ गुजरना पड़ेगा, तो टर्म एंड कंडीशन पढ़िए और मुझसे कनेक्ट हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, वहां पर डेली PDF मिलते रहेंगे और अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगला कमेंट लिखने वाले हैं राहुल प्रजापत, और ये लिखते हैं, सर मैं DMLT करना चाहता हूँ पर सर मेरी इंग्लिश वीक है, सर क्या मेरा BMLT करना सही होगा, क्या सर रिप्लाई देना प्लीज। तो इंग्लिश वीक है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप चाहे BMLT करो DMLT करो, लैंग्वेज आपको दोनों ही आनी चाहिए, बोथ लैंग्वेज में आनी चाहिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपको दोनों लैंग्वेज का पता होना चाहिए, ठीक है। अगला कमेंट लिखने वाले हैं हाइड्रा नवेद, और ये लिखते हैं, सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या DMLT के एग्जाम इंग्लिश मीडियम में होते हैं, प्लीज सर रिप्लाई। तो भैया जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यदि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम अब यदि आपने इंग्लिश वाला फॉर्म भराया है तो इंग्लिश में होंगे, हिंदी भराया है तो हिंदी में होंगे, यानी कि आपसे पूछते हैं कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, ठीक है। तो एग्जाम यदि आप बोथ में भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो नया बैच है 2019-20 और 20-21 वाला वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में है, तो हिंदी भूल जाना नए बैच वाले, ठीक है, वैसे पुराने बैच वाले बोथ लैंग्वेज में कर सकते हो। अगला कमेंट लिखने वाले हैं जैकी पांडे, और ये लिखते हैं, सर हम PCM से एंटर किए हैं, ये कोर्स कर सकते हैं? तो भैया आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी, तो मैथ वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा पैरामेडिकल कोर्स, लेकिन आप भी कर सकते हो। अगला कमेंट लिखने वाले हैं आदित्य कुमार वर्मा, और ये लिखते हैं, सर अब ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है कि आप एनाटॉमी में मोस्ट क्वेश्चन बताने के बाद चैप्टर फिर से डिटेल से पढ़ाएं, तब समझ में आएगा और एग्जाम में लिखेंगे। तो मैंने आपको जब जब मैं एनाटॉमी क्लासेस करवाता हूँ तब तब आपको पता होगा कि मैं एनाटॉमी के चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चंस डिस्कस कराता हूँ। आप में से
कोई भी 1% वाला बंदा नहीं है, यानी कि कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो मुझसे खुद पूछता है कि सर ये टॉपिक बताएं। कोई 1-2% वाले स्टूडेंट्स होंगे, वो बहुत होनहार स्टूडेंट्स हैं, बहुत एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो दोबारा बोल रहा हूँ, एनाटॉमी में आपको कोई से भी चैप्टर में दिक्कत हो तो आप नीचे उस चैप्टर का टॉपिक कमेंट कीजिए, ठीक है। आप टॉपिक कमेंट करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरा चैप्टर में नहीं पढ़ा सकता, एनाटॉमी में बहुत बड़ी ज्यादा हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। आप कोई सा भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे टॉपिक कमेंट करिए। अगला कमेंट लिखने वाले हैं मिस्टर विकास शर्मा, और ये लिखते हैं, सर आप कहते हैं कि एग्जाम बोथ में होता है लेकिन हमारे सर बोले इंग्लिश में होता है। तो यार एग्जाम चाहे इंग्लिश में हो, बोथ में हो, हिंदी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से होता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से होता है। लेकिन अब जो नया बैच आ रहा है 2019-20 वाला, वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। अगला कमेंट लिखने वाले हैं मोहन स्वरूप जोशी, और ये लिखते हैं, सर प्लीज हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग की हिंदी नोट्स प्रोवाइड करा दो। बिल्कुल, अभी हमारी रह रही है हेमेटोलॉजी, हमारी चल रही है, और ब्लड बैंकिंग रह रही है। तो हेमेटोलॉजी के पीडीएफ डेली क्लासेस में शेयर होते रहेंगे, जैसे जिस दिन वीडियो आती है मेरी उसी दिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और ब्लड बैंकिंग है, हो सकता है एक स्पेशल क्लासेस हो ब्लड बैंकिंग की, ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगला कमेंट लिखने वाले हैं एन गुज्जर, और ये लिखते हैं, सर पैरामेडिकल वालों को प्रमोट करेंगे या नहीं, प्लीज गिव मी। जैसा कि आज की वीडियो प्रमोट और पद बढ़ाने को लेके है, अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन यदि सब एक साथ साथ रहोगे, यूनिटी बना के रखोगे, तभी कुछ होगा, नहीं तो प्रमोट भी नहीं होंगे। और आप ऐसे करते रहो, पैरामेडिकल कोर्स कोई फायदा नहीं है। आज के बाद जो आप जिसको भी सलाह दो कि यार ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो, भैया 12वीं पास कर लो तो ही बेहतर है। 12वीं पास करके अपने आराम से बीएससी वगैरह करते रहो, कभी जिंदगी मत करना पैरामेडिकल कोर्स, वरना पछताना पड़ेगा। राजस्थान वाले ध्यान से सुन ले, अदर स्टेट वालों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो बहुत बुरी बात है, आप आवाज उठाएं। आवाज उठाने के लिए सबसे पहले यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगला कमेंट लिखने वाला है शगुफुता फरूकी, और ये लिखते हैं, नाइस इन्फॉर्मेशन सर जी, बट प्लीज क्लियर एंड लार्ज लिखे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि समझने वक्त बहुत क्लोज लिखने से कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल, अब हो सकता है मैं थोड़ा लार्ज लिखने की, बड़े बड़े लिखने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप भी समझ सके। और बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ऑनलाइन क्लासेस का टाइम क्या है, तो ऑनलाइन क्लासेस का टाइम यह है कि 7:30 बजे फिक्स इवनिंग में हमारी क्लासेस शुरू होती है, 7:30 बजे से, ठीक है, 7:30 PM। अब हर 2 दिन में एक वीडियो आएगी, उसी दिन शाम को या फिर रात को नाइट में एक PDF शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप में, और नए बच्चे जुड़ते हैं, नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो यदि वो PDF मांगते हैं, नोट्स मांगते हैं, तो प्लीज शेयर कर दिया करो। राजस्थान वाले बोल रहा हूँ, काम कराना है तो साथ रहना पड़ेगा, यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी। हमारा जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है जतन कुमार, वो बहुत हमारे साथ दे रहे हैं, वो आदमी कोई पागल नहीं है जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी कुछ करना पड़ेगा भैया, साथ रहना पड़ेगा, यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी, तभी पद बढ़ सकते हैं, तभी प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है। साथ रहना पड़ेगा, यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी, बार बार बोल रहा हूँ, जब भी राजस्थान वाले ध्यान सुन लो, जब भी जयपुर बुलाया जाए किसी भी काम के लिए तो एक साथ होके आइए। अभी कुछ दिन पहले लिस्ट को लेकर विवाद चल रहा था तो कितने स्टूडेंट्स पहुंचे थे हम, यानी कि अपने काम को कराने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। तो प्लीज़ प्रमोट होना है तो जाग जाइए, एग्जाम भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी प्रमोट भी करा सकती है, भी कोई पता नहीं है, अभी आदेश जारी नहीं किया, केवल अभी जो फाइल है वो इधर से उधर डोल रही है, ठीक। काम कराना है तो एक साथ रहना पड़ेगा प्रमोट होने के लिए, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, काफी महीनों बाद वीडियो आई, कोई मतलब नहीं है, मैं उस वक्त मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि दोस्तों प्रमोट को लेकर आदेश जारी कर दिए थे और हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम ही लेट हो रहे हैं, मुझे पता था कि प्रमोट वाले आदेश भी फॉलो लेट ही होंगे, तो वीडियो बनाने से क्या फायदा। लेकिन वीडियो की टेंशन मतलब आपका कोर्स पूरा कराने की पूरी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। अदर स्टेट वाले ध्यान सुन लो, नोट्स PDF आपको मिल जाएंगे, क्लासेस रेगुलर हो जाएगी आज से स्टार्ट हमारे चैनल पर, हर 2 दिन में, हर 1 दिन में वीडियो आ जाएगी, नो टेंशन, घबराना मत। लेकिन राजस्थान वालों के लिए यह वीडियो बिल्कुल डेडिकेटेड है, यदि प्रमोट होना है, पद बढ़ाना है, तो एक साथ रहो राजस्थान वाले, ध्यान से सुन लो, एक साथ रहोगे तभी कुछ होगा। और यदि आप किसी को सलाह देते हो कि ये पैरामेडिकल कोर्स करो, इसमें करियर अच्छा है, तो भाई उसका फ्यूचर खराब मत करना, आपने अपना तो कर लिया, प्लीज उसका फ्यूचर खराब मत करना भैया, उससे कहना कि 12वीं बाद आपको जो कोर्स लगे, ITI डिप्लोमा डॉक्टर वाक्टर जो भी कोर्स अच्छा लगे, MBBS वाला है, फिर BSc वगैरह जो भी आप करना चाहते हो कर लो, लेकिन भाई पैरामेडिकल कोर्स से बच के रहो, हाथ जोड़ लो, ठीक है, क्योंकि अब इसमें पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, अभी फर्स्ट बैच ही क्लियर नहीं हो रहा है स्थान का, तो इसलिए बता रहा हूँ, साथ रहोगे तभी जाके बहुत काम होगा। जयपुर बुलाया जाए प्रमोट को लेके, पद बढ़वाने को लेके, काम अपना ही तो हो रहा है यार, जयपुर आओ भाई।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।